अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो बनाई थी YouTube अपडेट के बारे में, तो जी हाँ फ्रेंड्स, YouTube की तरफ से बहुत ज़्यादा अपडेट आ रही हैं। जब से 2020 स्टार्ट हुआ है, YouTube की तरफ से अपडेट्स आ रही हैं। तो ये जो अपडेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये चैनल मोनिटाइजेशन को लेके, यानी कि चैनल मोनिटाइजेशन होने वाले हैं या जिनके चैनल रिव्यू में जाने वाले हैं, उनके लिए ये न्यू अपडेट है। YouTube की न्यू पॉलिसी आई है चैनल मोनेटाइजेशन को लेके, तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन क्रिएटर के लिए जिनका चैनल अभी तक अंडर रिव्यू में पड़ा हुआ है या अंडर रिव्यू में जाने वाला है। तो उस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि YouTube की तरफ से जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2020 में नहीं आई है वो क्या है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो YouTube दिन ब दिन अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा जो ना वो चेंजिंग कर रहा है, वो अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पता है कि पहले जो नया नया YouTube स्टार्ट हुआ था, तो तब आपका चैनल बिना किसी भी क्राइटेरिया के YouTube की जो पॉलिसी है उसके लिए आप इजीली मोनेटाइजेशन करवा सकते थे। लेकिन उसके बाद थोड़े से क्रिएटर की ग्रोथ बढ़ी, फिर YouTube ने जो ना अपना टारगेट रख दिया कि आप जो अपने चैनल के ऊपर 10,000 से जो व्यूज़ है वो लेके आओ, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगी। उसके बाद लोगों ने वो भी ट्रिक्स जो ना शॉर्टकट में क्लिक थ्रू के रेट के ऊपर, बस जैसे थंबनेल कोई और लगा दिया, वीडियो कुछ और लगा दी, तो लोगों ने व्यूज़ लेना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा और टाइम गुजरता गया, क्रिएटर की तादाद बढ़ती गई, तो YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा और जो ना ऊपर कर दिया। यानी कि उसके बाद YouTube ने रख दिया कि 1,000 सब्सक्राइबर और जो 4,000 घंटे का वॉच टाइम आपके चैनल पे पूरा होगा, क्राइटेरिया पूरा होगा, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो पॉलिसी है वो क्राइटेरिया तो आपका वही है, 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 आवर्स का वॉच टाइम 2020 में। लेकिन अंडर रिव्यू में या चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको किस तरह सा कंटेंट अपलोड करना होगा जिससे आपका चैनल जो ना जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा और आपके चैनल के जो कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी। उसके लिए अभी YouTube ने ये चीज़ मेंशन किया है कि जब आपका 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपका चैनल जो ना वो रिव्यू में YouTube नहीं भेजेगा। पहले तो ये होता था ना कि आपका चैनल जैसे ही आपने 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, तो आपका चैनल चला जाता था ऑटोमेटिकली रिव्यू में। लेकिन अभी YouTube आपके चैनल को पहले चेक करेगा, उसके बाद ये फैसला करेगा कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल है या नहीं है, अदरवाइज आपका चैनल वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो YouTube ने ये बात मेंशन की है, वो ये कहते हैं कि हम जब भी चैनल हमारे पास अंडर रिव्यू में आता है तो हम चैनल की ऊपर वाली कुछ वीडियोस देखते हैं। यानी कि वो ये चेक करते हैं कि आपका चैनल किस कैटेगरी में है, आपने चैनल की अच्छे तरीके से सेटिंग की हुई है, आपने अपना जो ना चैनल आर्ट लगाया हुआ है, अपनी जो ना पिक्चर ऊपर लगाई हुई है, उसके बाद आपने थंबनेल अच्छे क्रिएट किए हुए हैं, और आप किस कैटेगरी में वीडियो बना रहे हो, यानी कि आप मिक्स कैटेगरी में वीडियो तो नहीं बना रहे। ठीक है, यूट्यूब इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखते हो, अगर आपकी इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा तो आपका चैनल जल्दी मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ है कि अब यूट्यूब आपका जो देखेगा कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हो, यानी कि आप एक ही कैटेगरी में काम कर रहे हो, अगर आप व्लॉगिंग हो तो व्लॉगिंग की वीडियो अपलोड कर रहे हो, या आप मिक्स कंटेंट अपलोड कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे भी YouTube आपका चैनल को मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद YouTube देखेगा कि आपके चैनल के ऊपर जो मोस्ट व्यूज़ आते हैं, यानी कि जिन वीडियोज़ के ऊपर आपके ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, वो आपने कहाँ से लिए हैं, वो आपकी वीडियो आपने किसी ऐसे किसी का कंटेंट अपलोड करके, या आपने वीडियो तो वायरल नहीं कर रही, अपना खुद का कंटेंट था, आप रियल व्यूज़ लेके आए हो, वो भी आपको चेक किया जाएगा। अगर तो आपका खुद का कंटेंट होगा, आपका किसी किस्म का कोई भी यूजलेबल कंटेंट आपने यूज़ नहीं किया होगा, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अदरवाइज आपने कुछ ऐसी वीडियो अपलोड की होंगी जो आपने उठा के तो किसी की अपलोड कर दी होंगी, तो उससे आपका चैनल पे मसला आ सकता है। तो यही कुछ YouTube की तरफ से जो चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अपडेट्स आई हैं कि अब YouTube आपके चैनल को अच्छे तरीके से चेक करके फिर मोनेटाइजेशन के लिए भेजेगा। अगर आपके चैनल में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो YouTube आपके चैनल को कभी भी मोनेटाइज नहीं करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपनी वीडियो बनाएं और एक अच्छा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें, जिससे कि यूट्यूब को भी लगे कि आप एक अच्छे क्रिएटर हो। तो बस आज की यही अपडेट थी, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब की अपडेट्स वगैरह मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो बस आज की यही वीडियो थी, इसी के साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।